माइनर अकाउंट की डेबिट कार्ड के बारे में, माइनर अकाउंट में क्या डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। देखिए, सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में माइनर डेबिट कार्ड भी होता है, जिनका अकाउंट जो है 16 प्लस हो जाते हैं या 12 प्लस, यानी कि 12 अगर आपका साल कंप्लीट हो गया या 16 ईयर्स कंप्लीट हो गया, तब आपको जो है माइनर डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है। एक्चुअली देखिए, माइनर डेबिट कार्ड की क्या सिस्टम है, इसमें आप लोग 15,000 एटीएम से किसी भी एटीएम से कैश विड्रॉल कर पाएंगे और 50,000 ऑनलाइन लिमिट जो है दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि ये एक माइनर डेबिट कार्ड होता है, और इस डेबिट कार्ड को लेने के लिए आपको अपने गार्जियन के साथ ऑफलाइन, ऑनलाइन इसका सिस्टम नहीं है, ऑफलाइन होम ब्रांच में विजिट करके आपको फॉर्म फिलअप करके अप्लाई करना पड़ता है, वो भी आपके नज़दीकी होम ब्रांच में, जो आपका जो होम ब्रांच है सिर्फ उसी में। अगर मान लीजिए आप किसी अदर्स ब्रांच में जाते हैं तो वहाँ पर आपको सुविधा फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आपका जो जहाँ से आपने अकाउंट ओपन करवाया है वहीं पर। और मान लीजिए आप अगर एक नया अकाउंट ओपन करके वहीं से फ्रेश, साथ ही साथ अकाउंट के साथ ही साथ आपको डेबिट कार्ड भी चाहिए माइनर का, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। क्या इस डेबिट कार्ड से, बहुत का एक सवाल भी था, क्या इस डेबिट कार्ड से इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग चला सकते हैं? नहीं, आपको इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग 18 साल कंप्लीट करने के बाद ही दिया जाएगा, क्योंकि आपका फुल केवाईसी होगा। अभी आप एक तरीके से समझ सकते हैं, इस अकाउंट को जो माइनर डेबिट कार्ड दिया जाता है, इसमें जैसे कि वॉलेट काम करता है, यानी कि वॉलेट में मिनी केवाईसी होता है जिस तरह पेटीएम का, और पेटीएम में फुल केवाईसी हो जाने पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक ओपन हो जाता है। सो सेम उसी प्रकार जो है आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड में भी फैसिलिटी मिलती है माइनर कार्ड में। माइनर कार्ड में भी आपको 15,000 कैश विड्रॉल की लिमिट मिलती है, लेकिन आप में इसमें पूरे साल का जो होता है, एक महीने में 50,000 लिमिट जाती हैं और साल में लगभग 1-1.5 लाख का आपको ट्रांजेक्शन करने में मिलेगा, लेकिन लिमिट बढ़ा भी सकते हैं होम ब्रांच विजिट करके। आप पैन कार्ड अगर आप अपडेट करवा लेते हो तब मिनिमम देखिए इस अकाउंट में आपको बैलेंस भी मेंटेन करना पड़ेगा जब आप डेबिट कार्ड लेंगे। उसके बाद अगर एक साल में अगर आप लोग 1,000 रुपये मेंटेन नहीं करते तो आपका चार्ज भी काटा जाएगा, इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा आप लोग बैलेंस भी मेंटेन कीजिएगा। और डेबिट कार्ड के लिए सिंपली ऑफलाइन जाके होम ब्रांच विजिट करके वहाँ से आपको ऑफलाइन प्रोसेस से फॉर्म फिलअप करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मिनिमम आपका 1 मंथ लगेगा ये डेबिट कार्ड इशू होने में, बैंक इशू करने से मिनिमम आपको 2 मंथ में घर के पते पर भी मिल सकता है। ज़्यादातर ये जो माइनर डेबिट कार्ड है ये होम ब्रांच में विजिट करके ही मिलता है, और जिसके नाम पर अकाउंट है या कार्ड है उसे ही मिलेगा, दूसरे यूजर्स को, यानी कि आपके मान लीजिए आप किसी गार्जियन को भेज रहे हैं, भैया को भेज रहे हैं, तो आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, जिसका अकाउंट है उसी को ही माइनर डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। और इसकी फीस की बात करें तो 115 रुपया मिनिमम आपको इसका एक साल का ईयरली फीस लगता है, और अगर इशू फीस की बात करें तो पहले फ्री दिया जाता था, लेकिन अभी जो है इसके कुछ चार्जेस लग रहे हैं जिसमें 18% GST भी शामिल होता है, यानी कि ओवरऑल आपको 1,000 रुपये मेंटेन बैलेंस रखना पड़ेगा और 500 जो है आपकी ईयरली फीस कार्ड के चार्जेस रहेंगे। अगर मेंटेन नहीं करते तो मेंटेन बैलेंस माइनस चार्ज काटा जाएगा, जिसमें 34-35 रुपये भी काटे जा सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी अगर आपका फिर भी सवाल हो कमेंट में बिंदास पूछिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपके अगले इन्फॉर्मेशन के साथ।